नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विवरण। चलिए दोस्तों, आज का जो शेयर है वो है मदरसन सोमी सिस्टम लिमिटेड। मदरसन सोमी सन सॉफ्ट सिस्टम लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है मदरसन सोमी के अंदर अब जो मूवमेंट बन रहा है, जिसमें गिरावट है वो हो चुकी है। चलिए समझते हैं, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करता, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बेसिकली मैंने मदरसन की एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो बेसिकली इनका काम क्या है, ऑटोमोबाइल के जितने भी छोटे मोटे जो भी प्रोडक्ट पार्ट्स बनते हैं तो उसका मैन्युफैक्चर ही कंपनी करती है, ठीक है ना। इनके बड़े बड़े यानी कि मोस्ट ऑफ द बहुत सारे इनके क्लाइंट हैं, बड़े नामी गिरामी जो कंपनियां वो इनके क्लाइंट है। बेसिकली ये देख रहे हैं आप ऑडी का सिंबल्स के साथ, ये देखिए इनके क्लाइंट है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर इन सब का काम करती कंपनी। तो मदरसन सोमी क्या करती है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती है। तो आपको क्लियर हो गया ये सब चीज़ें, तो आप समझते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है, क्या मूवमेंट है, क्या सही समय से बाय करना है, ये भी समझते हैं। तो ये देखिए मैंने गूगल पर ओपन कर लिया मदरसन सोमी के बारे में। ये कब से रनिंग में कंपनी, 1 जनवरी 1986 से, 1 जनवरी 1986 से। तो आज का मूवमेंट देखते हैं। आज ये ओपन होता 219 रुपये पे, हाई मारता 226 रुपये का, लो मारा 219 का, 52 हाई है 272 का, 52 लो है 139 रुपये का, 70 पैसे का। तो इसके अंदर एक दिन का अभी तक इन्हें 2% की तेजी से ट्रेड करा इस टाइम पे ही अभी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है आज तारीख 8 दिसंबर और टाइम हो रहा है दिन के 11:46। तो 5 दिन में अभी तक 3% रिटर्न दिया, 1 मंथ के अंदर माइनस में 6% दिया अभी तक रिटर्न इसने, 6 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें -11% दिया है, ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 36% रिटर्न दिया पॉजिटिव के अंदर। और थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो इसके शेयर होल्डिंग है 61% इसमें प्रमोटर की है, 82.24 इसके अंदर पब्लिक की है, 13.64 इसके अंदर DIS की है, और 16.44 इसके अंदर है FIS की। तो इसका ओवरव्यू है, ये तो ये समझ आ गया आपको इसके अंदर, तब इसके समझ से चार्ट में चल क्या रहा है। ये देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा, तो डेली चार्ट के अंदर देखिए आप जो ये मूवमेंट था, यानी कि जब ये तेजी हुई इसके अंदर, यानी कि जो अपना ये तेजी करी इसने 254 के बाद से गिरता है, यानी कब से गिर रहा है ये शेयर, ये गिर रहा है 17 नवंबर से। तो 17 नवंबर से गिरने के बाद से मूवमेंट करेक्टिव हुआ, ये कल से जो करेक्टिव मूवमेंट दिखा रहा है, ये देखिए ये गैप अप फीलिंग हो रहा है इस टाइम पे। ये देखिए 20 डेज के टच को होकर अब अप ट्रेंडिंग की तरफ हो चुकी है, फिर से 150 डेज के एवरेज मूव, और ये दोनों धीरे धीरे स्लाइटली डाउनफॉल की तरफ होती जा रही है। देखिए 21 डेज की एवरेज मूव धीरे धीरे स्लाउडली डाउनफॉल होती जा रही है, जैसे ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखिए ये किस तरह से मूविंग अप ट्रेंडिंग की तरफ हो चुकी है, यानी गिरावट के बाद इसने आज ही अपने कितने डेज के हाई पे, 1 वीक के हाई पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे आज शेयर, ठीक है ना। तो 1 वीक आज इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा है। ये देखिए MACD देख किस तरह से मूवमेंट को तैयार है, यानी क्रॉस मूविंग एक दूसरे को क्रॉस करने को तैयार बैठी है, किस तरह से स्लाइडली होके पूरा गैप अप फिल करके RSI भी हमारा 50 के अबव हो चुका है। तो डेफिनेटली देखने वाली चीज़ है कि इसका MACD RSI दोनों पे इंडिकेशन दिख रहा है, और नॉर्मल चार्ट पे इंडिकेशन आ गया अप बाइंग का। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस रखना है इसके अंदर 213 रुपये का। कितने का स्टॉप लॉस रखना है, 213 रुपये का स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो पहला टारगेट जो मेरा आएगा इसमें 230 का, ठीक है। तो पहला टारगेट मेरा 230 का रहेगा, क्योंकि इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है, इस कैंडल के आसपास ये चल रही है, 230 जैसे कवर करेगा तो दूसरा टारगेट है 235 का, तो इस कैंडल ऊपर आ जाएगा ये। तो 235 के एवरेज में आएगा 235 का। तो पहला टारगेट 230 का, दूसरा टारगेट 235 का, तीसरा टारगेट 240 रुपये का। तीन टारगेट में बाइक पैसा होल्ड रखें, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ये कैंडल है 250 तक की। जैसे इसका क्रॉस मूविंग करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर जो ये 150 और 200 दिन के एवरेज मूव को क्रॉस करेगा, तो इसमें अप ट्रेंडिंग फिर से देखने को मिलेगा। तो 213 का स्टॉप लॉस से बाय करिए आप, क्योंकि इस 100 डेज और 150 डेज और 200 डेज को जैसे क्रॉस मूविंग करेगी 7 डेज के, तो डेफिनेटली इसमें और भी अप बाइंग देखने को मिलेगी आपको, और शेयर अच्छे लेवल पर ट्रेड करता दिखेगा आपको। तो जो गिरावट होने से शेयर के अंदर गिरावट हो चुकी है, अब इसमें करेक्शन के बाद फिर से अब ट्रेंडिंग तरफ आ चुका है, RSI MACD में इंडिकेशन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, 213 के स्टॉप लॉस से बाय करना, पहला टारगेट 230 का, दूसरा टारगेट 235, तीसरा टारगेट 240 से बाय, तीन टारगेट बाय कर पैसा होल्ड किया। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।